हेलो फ्रेंड, जय माता दी। फ्रेंड आज देखिए न्यू डिज़ाइन की ये हाफ स्वेटर लेके आई हूँ मैं गर्ल और लेडीज़ के लिए। ये 40 और 42 साइज़ मैंने इसका बनाया है। तो ये देखिए इसको स्टेप बाय स्टेप बनाना बताया है। ये डिज़ाइन भी मुंडे की जो हमने झालर बनाए हैं वो भी, और गला सारा स्टेप बाय स्टेप, और पॉकेट इसकी सभी मैंने इसमें स्टेप बाय स्टेप बनाना बताया है। तो जो भी इस वीडियो को बनाने में या इस स्वेटर को बनाने में इंटरेस्टेड है वो मेरे चैनल पे जाके इस वीडियो को देख सकता है। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। इसको बनाना बहुत ही इजी है, बिल्कुल सिंपल। हेलो फ्रेंड, जय माता दी। फ्रेंड आज देखिए ये लेडीज़ के लिए मैं हाफ स्वेटर बना रही हूँ, हाफ बाजू की। तो ये जो हमने बॉर्डर का डिज़ाइन इसमें डाला है ये मैं आपको बनाना बताऊँगी, और इसके बाद पूरा स्वेटर का मेजरमेंट भी मैं आपको बताऊँगी कितने फंदे मैंने डाले हैं। ये जो स्वेटर बना रही हूँ ये 40 और 42 साइज के लिए है। तो इस पर मैंने ये 3 प्लाई वाली ऊन ली है, ओसवाल की है ये 3 प्लाई वाली ऊन। और इस पर मैंने ये जो बैक पार्ट है इस पर मैंने 110 फंदे डाले हैं। 20 20 20 का ये डिज़ाइन है, 5 डिज़ाइन हमारे ये 100 में आ गए, और 5 5 फंदे हमने ये दोनों साइड ऐसे बना दिए हैं, 5 इस साइड और 5 ही इस साइड। इसके बाद इसको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है इसकी लेंथ। तो ये देखिए इतनी इसकी लेंथ बनाई है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कितनी लेंथ बनाई है और कैसे बनाई है। सबसे पहले हमें डिज़ाइन डालेंगे। तो देखिए इस पे मैंने 9 नंबर की सिलाई ले रखी है ऐसे, और 9 नंबर की सिलाई लेने के बाद हमने बैक पार्ट पे तो 110 फंदे डाले हैं, और बैक पार्ट का आधा आधा करा है हमने फ्रंट पार्ट के लिए। तो वो हमारे ये देखिए 55 हो गए फ्रंट पार्ट के लिए, और 5 फंदे फिर हमने बटन पट्टी के लिए एक्स्ट्रा लेने हैं, तो 60 फंदे हो गए। ये देखिए 20 20 40 20 60 ये फ्रंट पार्ट है हमारा, इसमें हमारे 60 फंदों पे डिजाइन बनाए। तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले हम ये देखिए फंदे डालेंगे सिर्फ सिंगल धागे से। तो ये जो हम बाजू भी बनाएंगे हाफ, तो उस पर भी हम यही डिजाइन डालेंगे। ये देखिए फ्रंट और बैक दोनों पे मैंने ये डिजाइन डाल लिया है। ये हमारा बैक पार्ट मैंने पहले दिखा दिया, ये हमारे दोनों फ्रंट पार्ट है। ये देखिए इन पे भी मैंने डिजाइन 3 3 डिजाइन बना लिए। अब जो बाजू है उसके लिए हमने 80 फंदों पे ये डिजाइन बनाना है, तो बाजू पे भी मैं ऐसे ही लगाऊंगी। इसके बाद फिर हम इसकी पॉकेट भी बनाएंगे, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी पॉकेट। और पहले 80 फंदे हम इसमें डाल लेते हैं, जो हम ये बाजू बनाएंगे उसके लिए 80 फंदे हम अलग से पहले डिजाइन बनाएंगे। ये डिजाइन डालना मैं आपको सिखा रही हूँ कैसे हम डिजाइन बनाएंगे। तो सिंगल धागे से हमने 80 फंदे ऐसे डाल लेने, 3 4 5 6 7 8 9 10 ये जो डिजाइन बनेगा ये 20 20 के मल्टीपल से बनेगा। तो मैं ये ऐसे 80 फंदे डाल लेती हूँ, 12 13 14 15। अब ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे मैंने 80 फंदे डाल लिए। अब ये जो पहली सिलाई बनाएंगे हम ये पूरी उल्टी उल्टी बना देंगे। पहली सिलाई पूरी उल्टी बनाने के बाद फिर दूसरी सिलाई पे हमें डिजाइन डालेंगे। तो देखिए पहली सिलाई हम पूरी उल्टी बना लेते हैं। अब देखिए एक सिलाई हमने लगा ली, अब यहाँ से हमारा डिजाइन स्टार्ट होगा। तो पहला फंदा हमने ऐसे स्लिप कर दिया, ध्यान से देखिए इन 20 फंदों को, एक फंदा हमने सीधा बना लिया। अब धागा आगे करेंगे, 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, 1 2। अब धागा पीछे करेंगे, इस एक फंदे पे हम 7 फंदे बनाएंगे। तो देखिए जो बबल बनाएंगे, 1 2
तीन, चार, पाँच, छः और सात। अगर आप छोटा बबल बनाना चाहते हो तो पांच फंदों से भी यहाँ पे बना सकते हो। अब यहीं से हम पीछे मुड़ेंगे और इन सात फंदों को एक बार फिर ऐसे सात का एक कर देंगे, तीन, चार, पाँच, छः और सात। ये जो दो फंदे उल्टे हैं इनका ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इसके साथ मत दो का एक कर दीजिएगा। तो ये देखिए सात का हमने एक बना लिया। अब इस फंदे को हम इस वाली सिलाई पे ऐसे ले लेंगे, फिर से ऐसे पलटेंगे, धागा आगे करेंगे, दो फंदे फिर उल्टे बनाएंगे, एक और एक दो। अब फिर धागा पीछे करेंगे, इस एक पे फिर से हमने सात फंदे बनाने हैं। देखिए दो उल्टे, फिर एक पे हमने सात बनाए, फिर दो उल्टे, अब इस एक फंदे फिर सात फंदे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और सात। इनको थोड़ा लूज लूज बनाना है हमने, ज़्यादा टाइट नहीं बनाना है। फिर हमने पलटा, अब इन सात का हम एक बना देंगे ऐसे, थोड़ा इसको लूज करते जाएंगे ऐसे। ये देखिए सात फंदों का हमने एक बना लिया और इस फंदे को फिर ऐसे ले लिया, फिर धागा आगे, दो फंदे फिर उल्टे, सिर्फ सीधे पे हमने बबल बनाना होता है, फिर धागा पीछे, अब यहाँ पे फिर हम बबल बनाएंगे, दो, तीन, चार, पाँच, छः और सात। फिर पलटा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और सात। इन दो को ध्यान से देख लीजिएगा, देखिए बबल वाला फंदा और दो उल्टे और फिर सात का एक। आपका फंदा यहाँ पे कम ना हो जाए तो फिर डिजाइन में गड़बड़ी हो जाएगी। फिर धागा आगे, दो फंदे फिर उल्टे, सीधे के बाद दो उल्टे, तो एक, दो, तीन बबल बन गए हमारे, पांच बबल बनाएंगे हम यहाँ पे, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। अब फिर पलटा और सात का एक कर देंगे, इसको थोड़ा ऐसे लूज करते जाएंगे। अरे देखिए सात का एक हो गया। फिर हम ऐसे पलटेंगे, दो फंदे फिर उल्टे, एक, दो, धागा पीछे, चार हमारे बबल हो गए, एक, दो, तीन, चार। अभी लास्ट बबल है तो देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और सात। धागा ऐसे पलटा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। फिर से सात का एक हो गया, ये वाला ऐसे ले लिया, ऐसे पलटेंगे, दो फंदे फिर उल्टे और लास्ट का फंदा सीधा। तो यहाँ तक हमारे 20 फंदे कंप्लीट होते हैं। देखिए कैसे, ये वाला फंदा तो एज स्टिच है, इस पे मैंने 82 फंदे लिए हैं, आप इसमें 80 फंदे भी ले सकते हैं, तो हमारा एज स्टिच नहीं आएगा उसमें। यहाँ से काउंट करेंगे फिर, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस। अरे देखिए, अब इस यहाँ पे तीन फंदे हम सीधे बनाएंगे,
जब हम दूसरा डिजाइन स्टार्ट करेंगे तो इस फंदे पे अब हमारी दोनों साइड जालियां बनेंगी। तो ऐसे आप देख लीजिए, ये देखिए यहाँ तक हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ से आगे हम दोबारा से डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। तो एक फंदा हमने सीधा बनाया जैसे हमने यहाँ पे बनाया, जब हम दूसरा डिज़ाइन बनाएंगे तो यहाँ पे तीन फंदे हमारे सेंटर में सीधे आएंगे, फिर दो उल्टे, फिर हमारे बबल के डिज़ाइन फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। एक दो तीन चार पाँच डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये मैं बना लेती हूँ पूरी सिलाई, एक बना के दिखा दिया मैंने। ऐसे ही आपने आगे तक बनाना है। यहाँ तक बबल बनाने के बाद दो फंदे उल्टे और तीन बीच में आने चाहिए हमारे, और दो उल्टे फिर। तो ये मैं बना लेती हूँ, फिर उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। अब देखिए फ्रेंड, ये उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाने के बाद इस तरीके से बन के आया ये। अब हमने ऐसे बनाना है इसका डिज़ाइन। तो देखिए, सबसे पहला फंदा तो हम स्लिप करेंगे, और ये जो सीधा फंदा है इसके पहले हमने जाली बनानी है ऐसे, एक सीधा, फिर दो फंदे ये उल्टे हैं, इनको हम उल्टा बनाएंगे, ये वाला सीधा, और ये जो है इसके साथ हमने तीन का एक करना है, ये वाले फंदे जो बीच वाला हमारा पांचवा है। तो देखिए, फिर से दो उल्टे, एक सीधा, अब हम एक ही उल्टा बनाएंगे, यहाँ पे इन तीन का एक करेंगे, धागा पीछे, देखिए कैसे बीच वाला फंदा और ये ऐसे स्लिप करेंगे, इसको हम सीधा बना देंगे और इन दो को इसके ऊपर से उतार देंगे, तो ये तीन का एक हो गया। अब धागा आगे, एक फंदा हमारा बचा उल्टा, धागा पीछे, एक सीधा, फिर दो फंदे उल्टे, बबल वाला सीधा, अब ये दो फंदे उल्टे, एक फंदा हमारा है सीधा, एक सीधा इस साइड को आ जाएगा, एक सीधा इस साइड को, ये जो तीन हमारे सीधे हैं, और इस एक पे हमने दोनों साइड जालियां बनानी। तो देखिए, जाली बनाई, सीधा बनाया, फिर जाली बनाई, एक सीधा बनाया, अब हमारा दूसरा डिजाइन यहाँ से स्टार्ट हो गया, दो फंदे उल्टे, एक सीधा, दो उल्टे, बबल वाला फंदा हमारा सीधा बनेगा। अब यहाँ पे एक ही हमने बनाना है, और ये हमारा तीसरा है, इधर से भी तीसरा और इधर से भी तीसरा, तो इनका हमने तीन का एक बनाना है। पूरी सिलाई हमने ऐसे ही बना देनी है, ये 82 फंदों की, ये देखिए। फिर इसके बाद उल्टी सिलाइयाँ सभी इसकी उल्टी ही बनेगी, उल्टी सिलाइयों पे हमने कुछ नहीं करना है, सिर्फ सीधी पे हमने ये डिजाइन बनाना है। फिर धागा, ये हो गया सीधा, अब दो फंदे हमारे उल्टे, अब बीच के तीन फंदे आ गए, तो एक पहले हम सीधा बना लेंगे, फिर जाली बनाएंगे, फिर एक सीधा, फिर जाली, फिर ये सीधा। अब जैसे ये बनाए वैसे हम ये वाले भी बना देंगे, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। फिर अगली सीधी पे दिखाती हूँ। उल्टी सिलाई बनाने के बाद अब फिर से देखिए, इस एक फंदे पे हमने हमेशा यहाँ पे तीन का एक करते जाना है, जो सेंटर वाला फंदा है, तो हमारा डिजाइन बनता जाएगा। और इस सीधे फंदे पे हमने एक जाली यहाँ बनानी है, और ये जो तीन फंदे हैं बीच में यहाँ भी। तो देखिए, पहला फंदा तो हमने स्लिप करा, अब ये हमारा जाली वाला फंदा है, देखिए अब इसको भी हम सीधा बना देंगे, जो जाली से बढ़ेगा उनको हम सीधा बनाते जाएंगे, और इस सीधे फंदे पे हम जाली बनाते जाएंगे। ये देखिए, ऐसे दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, दो फंदे फिर उल्टे, अब धागा पीछे, एक फंदा सीधा। अब देखिए, यहाँ पे एक एक उल्टा है और एक सीधा है, तो इन तीन का हम एक करते हैं, ऐसे। अब ये वाला सीधा है बबल वाला, तो इसको हम सीधा बना देंगे, धागा आगे, दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे और एक फंदा ये सीधा, यहाँ तक हमारा ये डिजाइन बन गया।
इस वाले फंदे सीधे फंदे पे और इस वाले सीधे फंदे पे दोनों साइड हमने जाली बनानी होती है। तो जाली बनाई और सेंटर के तीन फंदे अब हम सीधे बनाएंगे, एक दो तीन, अगली बार पांच हो जाएंगे, ऐसे बढ़ते जाएंगे। फिर देखिए एक सीधा, दो उल्टे, एक सीधा, दो उल्टे, एक सीधा, यहाँ तक हमारा आ गया। अब यहाँ पे हमने तीन का एक करना है, ऐसे स्लिप करा, इसको बनाया, ऊपर से उतार दिया। अब ये सीधा है तो इसको सीधा ऐसे, बस यहाँ पे सेंटर में हमने हमेशा तीन का एक करना है और जालियाँ बनाते जाना है दोनों साइड। तो हमारा ये डिजाइन ऊपर तक ऐसे ही बनता जाएगा। देखिए जाली बनाई, तीन फंदे सीधे बनाए, दो तीन, फिर जाली बनाई सीधा। तो ये पूरा मैं ऐसे ही बना लेती हूँ, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी, फिर अगली दिखाती हूँ। अब फिर से देखिए फ्रेंड, पहला फंदा स्लिप करा, अब दो फंदे हमारे जाली से बड़े, एक दो, फिर जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा, दो उल्टे, एक सीधा। अब एक ही उल्टा बनाएंगे हम, सॉरी दो फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे। अब ये तीन हमारे सीधे हैं तो दो ऐसे स्लिप करें, एक बनाया, दो इसके ऊपर से उतार दिए, धागा आगे, दो फंदे उल्टे, धागा एक सीधा, दो फंदे उल्टे और ये सीधा। तो यहाँ तक हमारा डिजाइन बन गया। ये देखिए यहाँ पे सभी फंदे इस तरीके से बनते जाएंगे और यहाँ पे फिर जाली बनाई और बीच के पांच फंदे सीधे। पांच, फिर जाली बनाई और अब अगला डिजाइन स्टार्ट कर देंगे, फिर उल्टी सिलाई पूरी उल्टी और फिर अगली दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, चार सिलाइयाँ मैंने इसके बाद बना ली। अब आगे फिर दिखाती हूँ मैं आपको, अभी और बनना है ये। तो पहला फंदा तो हमारा एज स्टिच है। अब देखिए फंदे बड़े हैं हमारे, एक दो तीन चार पाँच और ये छः। फिर सीधा फंदा बनाया, ए सीधा फंदा और ए वाला सीधा फंदा और बीच का ए फंदा। जब तक इतने फंदे हमारे तीन का एक नहीं हो जाता जब तक हम इनको घटाते जाएंगे। फिर हमने एक उल्टा बनाया, अब धागा पीछे करेंगे, सॉरी दो उल्टे बनाए, अब इन तीन का एक कर देंगे। दो को ऐसे स्लिप करा, इसको बनाया, ऊपर से उतार दिया, धागा आगे, दो फंदे उल्टे, एक है सीधा। तो देखिए अभी हमारा एक दो तीन बार हमारा दो का एक होगा, अभी ये तीन का एक होगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये हमारे जालियों से फंदे बढ़ रहे हैं, नौ दस ग्यारह बारह तेरह और लास्ट ये फंदा सीधा बना दिया। तो इस तरीके से हमारी ये बनेंगे। तो ये मैं पूरी सिलाई बना लेती हूँ उल्टी पूरी उल्टी, उसके बाद दिखाती हूँ फिर आगे। अब देखिए फिर से हमने वैसे ही बनाना है, ये हमारे जालियों से फंदे बढ़ रहे हैं तो इनको हमने सीधा बनाते जाना है इस तरीके से। अब यहाँ पे फिर हम जाली बनाएंगे और एक फंदा सीधा, अब यहाँ पे तीन का एक और ये सीधा फंदा। इसके बाद ये देखिए जालियों वाला आ गया। तो जाली बनाते हुए यहाँ तक जाली बनाएंगे, यहाँ पे फिर तीन का एक करेंगे और उल्टी सिलाई फिर पूरी उल्टी। ये देखिए फ्रेंड, अब डिजाइन की ये लास्ट सिलाई है। तो इस तरीके से हमारा ये डिजाइन बन के आता है। फिर तो लास्ट सिलाई देख लीजिए आप, पहला फंदा स्लिप करा, अब देखिए एक दो तीन चार
पाँच, छ, सात, आठ और ये नौ फंदे हमारे बड़े हैं। नौ फंदे बढ़ते जाली बना ली हमने। अब यहाँ पे हमने तीन का एक करना है, तो हमारा डिजाइन ख़त्म हो गया यहाँ पे और लास्ट सिलाई है ऐसे। अब इस फंदे के इस साइड भी जाली है, तो इस साइड भी हम जाली बनाएंगे और बीच के सभी फंदे हम सीधे बना देंगे यहाँ तक। फिर यहाँ पे तीन का एक, फिर यहाँ पे भी चारों डिजाइनों पे हमने ऐसे ही करते जाना है। एक बार फिर दिखा देती हूँ आपको। देखिए सेंटर में हमारे सारे फंदे जो बड़े हैं इनको हमने सीधा बना देना है। ये जाली बनाई, ये देखिए। अब फिर तीन का एक, जैसे भी आपको तीन का एक करना आता है वैसे कर लीजिए। फिर जाली। अब इसी तरीके से आप ये डिजाइन बना लीजिए। ये जो मैंने बैक पार्ट बनाया है फ्रेंड 110 फंदों का, तो इस पे भी मैंने ऐसे ही बना रखा है। ये देखिए इस पे हमारे 20 20 20 20 20 इस तरीके से पांच डिजाइन हमारे 100 फंदों में आए और पांच पांच फंदे हमने दोनों साइड उल्टे उल्टे बनाए। और इसके बाद हमने ऊपर तक इसकी लेंथ कंप्लीट कर दी है। तो लेंथ मैं आपको दिखा देती हूँ नाप के। देखिए यहाँ से नापेंगे हम इसकी लेंथ, ये देखिए 19 इंच इसकी लेंथ है, ये देखिए। और अगर फ्लावर से नापें तो इसकी लेंथ फिर ज़्यादा आ जाएगी, ये देखिए 20.5 इंच इसकी लेंथ आ रही है यहाँ इससे नापेंगे तो। और इसके बाद फिर हमने मुंडे की कटिंग करी है। बैक पार्ट पे हमने 5 3 2 1 की करी है, 5 3 2 1 की। और फ्रंट पार्ट पे हम करेंगे 5 4 2 1 की। और इस तरीके से अब हम इसमें मुंडे जोड़ेंगे। तो मुंडे जोड़ना मैं आपको बता देती हूँ। ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसमें भी देखिए, अगर जहाँ से हमने गले की कटिंग करी है यहाँ तक हमारे 52 धारियाँ हैं ये। तो ये जो हम दूसरा पार्ट बना रहे हैं इसमें हमने बटन होल बनाना होता है, ये देखिए। तो बटन होल एक धारी हमारी ये बन गई, तो हमारी ये 51 धारियाँ बच गई। तो एक होल बना लिया हमने यहाँ पे, फिर 11 धारियाँ बनाई, फिर बटन होल बनाया, फिर 10 10 धारियाँ बनाते हुए हम बटन होल बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे यहाँ तक 6 बटन होल बन जाएंगे ऊपर तक, जहाँ से हम फिर कटिंग करेंगे। यहाँ यहाँ पे हमने 5, यहाँ पे 5, फिर 4, फिर 2 1 की कटिंग करी है। और फिर इस साइड को आके यहाँ पे 3 का 1 कर दिया है। जब हमने यहाँ से घटाना स्टार्ट करा है, जब हम यहाँ से मुंडे घटाएंगे तो यहाँ से भी हम 3 का 1 करेंगे। तो हमारे गले की शेप इस तरीके से बनती हुई चली जाएगी। तो अब देखिए मैं मुंडे जोड़ना बताती हूँ आपको। ये हमारा बैक पार्ट है, इसको हमने ऐसे सीधा रखना है। और ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो इसको हमने ऊपर से उल्टा रख देना है ऐसे। अब एक सिलाई और ले लीजिए और यहाँ से हम ये देखिए 2 4 6 8 फंदे हमारे ये बटन पट्टी के हैं। अब 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 और 28 28 या 30 फंदे आप इसमें रख लीजिए मुंडे के लिए। तो अब यहाँ से हमने देखिए 2 का 1 करा, फिर अगले बार 2 का 1 करा। ये फ्रेंड आप ध्यान से करिए, 3 धागे हैं क्योंकि ये देखिए पीछे वाला ऊपर से उतार देंगे। फिर से 2 का 1 करेंगे, पीछे वाला ध्यान से ऊपर से उतारते जाएंगे।
बस इसी तरीके से हमने ये सभी फंदों को बंद कर देना है। सिर्फ 28 फंदों को हमने बंद करना है, आगे जो गले वाले फंदे बचेंगे उनको फिर मैं बनाना बताऊंगी आपको कैसे बनाएंगे। बस इसी तरीके से आप गले के 8 फंदों तक बंद कर लीजिए। अब ये देखिए फ्रेंड, सभी फंदे हमने बंद कर लिए, ये 2, 4, 6, 8 फंदे हमारे ये गले वाले बच गए। तो अब थोड़ा सा गला मैं आपको बनाना बताती हूँ, यहाँ से थोड़ा सा 8-10 फंदे हम बना लेते हैं, उसके बाद फिर हम जब दूसरा पार्ट जोड़ेंगे तो उसके साथ बनाएंगे, क्योंकि आधा आधा हमने दोनों साइड से इसको बनाना होता है। तो धागा हमारा इस साइड है, अब देखिए गला भी हम इसी साइड से अब स्टार्ट कर देंगे। देखिए इसी धागे से हम गला बनाएंगे, ये 8 फंदे हम ऐसे उल्टे उल्टे बना लेते हैं, क्योंकि आधा हम इस साइड से गला बनाएंगे और आधा हम दूसरी साइड से। अब देखिए, अब ये जो हम बना रहे हैं इसकी, ये देखिए बहुत ही सुंदर सी आती है। ऐसे 2 फंदे हमने स्लिप करने होते हैं, यहाँ पे बनाने नहीं होते, उल्टी सिलाई पे हम बनाएंगे और सीधी पे ऐसे स्लिप करेंगे। अब देखिए 2, 2, 4, 5, 6, 7 धागा पीछे करेंगे। ये जो 8वां फंदा है ए और ए, ये तो अभी एक हमारा ये मुंडे का है, तो इसके साथ हमने अभी 3 फंदे का एक कर देना है, क्योंकि ये हमारा मुंडे का फंदा है और ये हमारा बैक पार्ट का, तो 3 का एक हम यहाँ पे कर देंगे। अगली बार हम एक एक करेंगे, एक बैक पार्ट का, एक बटन पट्टी का। अब यहीं से हम मोड़ेंगे, पहला फंदा हमने स्लिप करा, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 सीधी सिलाई पे हमें 2 फंदे स्लिप करेंगे और उल्टी पे बना देंगे। ये देखिए सीधी पे हमने इनको स्लिप कर दिया, फिर धागा आगे, छः, सात धागा पीछे। अब देखिए एक फ्रंट ए बैक पार्ट का और एक ये जो हमारी किनारी चली हुई है ये किसका, ऐसे एक और एक ए, 2 का 1। तो ऐसे हमारा गला भी बनता जाएगा साथ साथ में, और जो हमने बटन पट्टी का डिजाइन चला रखा है वो भी साथ साथ में चलता जाएगा। उल्टी सिलाई पे हमने सभी, ये जो बटन पट्टी है ये मैं दूसरे वाले, जो हमारा दूसरा वाला पार्ट है उसमें मैं आपको बनाना भी बताऊंगी और कैसे हमने इसको बनाना है सब बताऊंगी, और कितने फंदे हमने छोड़ने हैं, कितने हमने बनाने हैं। ये देखिए 7 और 8वां ए और एक बैक पार्ट का, तो 2 का 1 यहाँ पे हमेशा करते जाएंगे। तो कम से कम अभी हम यहाँ पे 10-15 फंदों तक हम इसको ऐसे ही बना लेंगे, और फिर जो बचेंगे वो हम दूसरे साइड से बनाएंगे, जब तब बनाएंगे गला। 15 फंदे हम ऐसे ही बना लेंगे। अभी हमारे 3 फंदे हो गए, तो आप ऐसे काउंट करके भी कर सकते हैं, और फिर इसको यहीं पे छोड़ देंगे और जब दूसरा साइड बनाएंगे तब बनाएंगे। बस ऐसे, ये देखिए ये हमारा फ्रंट और ये बैक, 2 का 1। तो इस तरीके से आप ये बनाते जाइए। पहला फंदा हमने स्लिप करना है, तो जैसी हमारी धारी बनती जाई गई है वैसे ही ये बनती जाएगी। अगर आप इसको पहले फंदे को बना लेंगे
तो फिर ये वैसी नहीं बनेगी। ये हमारा स्लिप करा हुआ फंदा है, ये ऐसे दिखता है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही दिखता जाएगा। एक बार फिर देख लीजिए, दो हमने स्लिप करने हैं। जैसे मैंने बनाया आप वैसे भी बना सकते हैं, और इस फंदे को ऐसे पलट के भी बना सकते हैं। ऐसे पलटा और दो का एक कर दिया, फिर ऐसे ये देखिए ऐसे स्लिप करेंगे इसको और ये बना देंगे। तो मैं ये बना लेती हूँ, फिर आपको फ्रंट पार्ट का जो दूसरा पार्ट है वो मैं आपको बना के दिखाऊंगी आगे। तो ये बना लीजिए आप ये गला। अब देखिए फ्रेंड, एक साइड मैंने ये देखिए फ्रिल वाला अपना ये बाजू जोड़ दिया है यहाँ पे। इसको हमने पहले हमने यहाँ से 80 फंदे उठाए, और ये 82 फंदे हैं हमारे ये डिजाइन के, 81 82 डाल लीजिए आप। एक फंदा एक्स्ट्रा चाहिए इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें, 20-20 के मल्टीपल से। तो 4 डिज़ाइन बनाए हैं ये, और 80 फंदे या 81 फंदे आप उठा लीजिए, और दोनों साइड को उल्टी साइड से आप इसको जोड़ लीजिए। अब मैं दूसरे पार्ट का आपको यहाँ से देखिए गले की शेप बनाना बताऊँगी। देखिए इस तरीके से ये देखिए दूसरा पार्ट हमने ये कंप्लीट कर लिया है, जहाँ तक हमने गले की घटाई करनी है। अब देखिए फ्रेंड, इसकी लेंथ कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पे लास्ट वाला बटन होल भी बना लिया मैंने। अब यहाँ से हम कटिंग करेंगे मुंडे की और यहाँ से गले की। तो देखिए सीधी सिलाई पे हम मुंडे की कटिंग करेंगे, उल्टी सिलाई पे हम गले की। तो यहाँ पे पहले हम 5 फंदे बंद कर देंगे। तीन, चार और 5, 5 फंदे बंद करने के बाद पूरी सिलाई हम ऐसे ही बना देंगे यहाँ तक। फिर दिखाती हूँ मैं आगे आपको, सीधा सीधा ही बनाना है इसको। अब देखिए इसको हम स्लिप करेंगे, धागा आगे करेंगे। देखिए यहाँ पे जाली से हमारा ये बटन होल बन गया, और धागा पीछे करके इन दो को ऐसे स्लिप करेंगे। अब देखिए उल्टी सिलाई पे हम गले की कटिंग करेंगे। तीन, 4, 5, 6, 7 और 8 फंदे हमने बना लिए बटन पट्टी के। इसके बाद गले की कटिंग के लिए हमने 3 फंदे का एक कर देना है यहाँ पे, और लास्ट तक पूरी सिलाई ये उल्टी बना देती। फिर हमने मुंडे की कटिंग करनी है सीधी सिलाई पे। दोनों पार्टों की सेम ही कटिंग होगी, इस राइट की भी और लेफ्ट की भी। जैसे हम राइट की कर रहे हैं वैसे लेफ्ट की भी करेंगे। अब देखिए पहले हमने 5 फंदे बंद करे, अब 4, 2, 3 और 4। अब पूरी सिलाई हम ये बना देंगे, आगे बटन पट्टी के फंदे भी 8 बना लेंगे। फिर उल्टी सिलाई पे हम गले की कटिंग करेंगे। अब ये बटन पट्टी दिखा देती हूँ मैं कैसे बनाते हैं हम इसे। तो ये 3 का एक करा, वो है ए वाला फंदा, और इस फंदे को हम स्लिप करेंगे ऐसे। फिर अगले 1, 2, 3, 4, 5 फंदे हमने उल्टे बनाए, धागा पीछे करा, इन दो को हमने ऐसे उतारा। अब उल्टी सिलाई पे हम इन फंदों को बना देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8 के बाद फिर हमने 2 का एक करना है, सिर्फ एक बार ही हमने 3 का एक करना है,
बाकी हर बार हमने अब यहाँ पे दो का एक करते जाना है। तो पूरी सिलाई मैं बना लेती हूँ। अब ये देखिए फ्रेंड, पहले हमने पांच फंदे बंद करे, फिर हमने चार, अब हम दो ही बंद करेंगे। देखिए बैक पार्ट पे हमने पांच, तीन, दो, एक करा, दो बंद कर दिए। पूरी सिलाई सीधी बना देंगे, उल्टी सिलाई पे दो का एक करेंगे गले की कटिंग के लिए। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात और ये आठ फंदों के बाद ही हमने दो का एक करना होता है। पूरी सिलाई उल्टी बना देंगे, फिर सीधी पे हमने फिर से, अब देखिए अब लास्ट बार हमने एक फंदा बंद करना है। देखिए अब 28 फंदे हम मुंडे के लिए रखेंगे और आठ हमारे ये बटन पट्टी के, और बीच के जितने भी हमारे अब छः सात फंदे बचते हैं उनको हम वैसे ही उल्टी सिलाई पे दो का एक करते जाएंगे और 28 फंदों को बैक पार्ट के बराबर ऊपर तक बनाते जाएंगे। और जिस तरीके से मैंने दूसरे वाला मुंडा जोड़ना बताया वैसे हम ये वाला मुंडा भी जोड़ देंगे और फिर गला इस साइड से भी बनाएंगे हम। तो ये मैं इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, पच्चीस, छब्बीस, सत्ताईस, अट्ठाईस। अब देखिए कितने बार करना है हमने, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, आठ बार हमने दो का एक करना है। उसके बाद फिर हम वैसे ही इसको ऊपर तक बनाते जाएंगे। तो इसकी लेंथ मैं कंप्लीट कर लेती हूँ फ्रेंड, फिर दिखाती हूँ आगे मुंडे जोड़ना और ये बाजू का, यही डिज़ाइन बाजू पे भी हम बनाएंगे। अब देखिए फ्रेंड, ये दूसरे साइड का मुंडा जोड़ना भी बताती हूँ मैं आपको। ऐसे ये उल्टी साइड हमने सीधी रख लेनी है और ये जो हमने पल्ला बनाया है इसको हमने ऊपर से उल्टा रख देना है ऐसे। अब एक सिलाई और ले लीजिए और इनको ऐसे पकड़िए ऐसे, और गले के फंदे हमने ये छोड़ देने हैं आठ और बाकियों को अब बंद कर देना है, दो का एक करेंगे। देखिए इस सिलाई से भी और इस सिलाई से, एक एक दोनों से ले लेना है ऐसे, फिर अगले वाला दो का एक, पीछे वाला हमने ऊपर से उतार देना है ऐसे, दो का एक करा, पीछे वाला ऊपर से उतारते जाना। बस इसी तरीके से हमने गले तक के सभी फंदे बंद कर लेने हैं, फिर आगे गले से बनाना बताती हूँ मैं आपको। अब ये देखिए फ्रेंड, आठ फंदे इसके बच गए, दो, चार, छः, आठ। अब ये फंदा हम इस सिलाई पे ले लेंगे, अब इन्हीं सिलाइयों से हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ से पहले हम ये वाला फंदा ऐसे ही स्लिप कर लेंगे। गला बनाना बता रही हूँ अब मैं आपको। ये हमारे फंदे पूरे जुड़ गए, धागा आगे करेंगे। ये देखिए एक, दो, तीन, चार और ये पाँच, इन दो को हमने स्लिप कर देना है।
अब यहाँ से हम फिर मुड़ेंगे और आगे जाके हमने फिर से दो का एक कर देना है। यहाँ पे धागा ख़त्म हो गया, धागा दूसरा जोड़ लेंगे यहाँ पे। और देखिए इस वाली सिलाई में हमने एक दो तीन का एक करना है, क्योंकि मुंडे का एक फंदा है। बस ऐसे ही फिर हमने दो का एक करते जाना है, जैसे मैंने दूसरी साइड बताया आपको। और एक गला, जितने ये फंदे बचे हुए हैं यहाँ तक हम बनाते जाएंगे। जब हमारे आठ फंदे इस वाली साइड के गले के आ जाएंगे, तो इन दोनों को और ये आठ और ये आठ, इन दोनों को ऐसे सिलाइयों पे लेके दो का एक कर देंगे, जैसे हमने मुंडे के करे। बस फिर हमारा ये गला बन जाएगा। अभी यहाँ पे धागा ख़त्म हो गया थोड़ा सा, तो अब देखिए फ्रेंड, ये देखिए फ्रेंड, एक साइड तो हमने ये बना के जोड़ लिया और दूसरी साइड का भी मैंने बना रखा है। ये मैं आपको जोड़ना बताती हूँ कैसे हमने मुंडे जोड़ने हैं। पहले हमने यहाँ पे ये जो हमारे मुंडे हैं, यहाँ से हमने 81 फंदे उठा लेने हैं पहले, तो ये मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। पहले हमने यहाँ पे पॉकेट बनाई है, तो पॉकेट का दिखाती हूँ मैं थोड़ा सा आपको। इस फ्रंट पार्ट वाले में हम पॉकेट लगाएंगे यहाँ पे। तो देखिए ये मैंने ऊपर से बनाई है, तो इसी डिज़ाइन की हमने ये पॉकेट बनाई है। तो जहाँ से हमारा ये डिज़ाइन है, देखिए यहाँ से हमने एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ इतना सा इधर करके इसको यहाँ पे हमने पॉकेट जॉइंट करनी है। चाहे आप ये पट्टी के साथ यहाँ भी इसको जॉइंट कर सकते हैं, थोड़ा सा गैप देके इसको हमने ऊपर से सिलाई करनी है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कैसे हमने इसकी सिलाई करनी है। पहले मैं ये डिज़ाइन डालना आपको बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने फंदे डाले हैं, इसमें एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह तीस 36 फंदे डाले हैं। और 36 फंदे डालने के बाद दो धारियां हमने उल्टी उल्टी बनाई हैं। दो धारियां बनाने के बाद फिर ये देखिए पहला फंदा स्लिप करा, चार उल्टे, फिर बीच के सीधे, फिर यहाँ भी चार उल्टे और एक सीधा, और ये 20 सिलाइयाँ हमने बना ली हैं। 20 सिलाइयाँ बनाने के बाद हमने ए वाला डिज़ाइन बनाना है। तो इस पे हमने ये देखिए एक यहाँ पे मैंने इसी पे ये डिज़ाइन बना दिया है गोला यहाँ पे, और ये कम कर दिए हैं फंदे। तो देखिए अब कैसे बनाएंगे हम। ये 13-13 फंदों का हमने डिज़ाइन बनाया है। देखिए दो तीन चार, ये हमने ये बना लिए तीन फंदे और एक है। अब ये फंदा हम सीधा बनाएंगे, तो इसी पे हमने डिज़ाइन स्टार्ट करना है। एक फंदे के सात फंदे, दो तीन चार पाँच छः और सात, सात फंदे बना लिए। अब हमने सात का एक बना लेना है। फिर से पलटा यहीं पे, एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात फंदे का हमने एक बना लिया। फिर हमने ऐसे पलटा, अब देखिए अब फिर दो फंदे हम उल्टे, दो उल्टे, अब पांच बबल हम ऐसे ही बना देंगे। एक बना दिया, फिर दो उल्टे, फिर एक बबल बनाएंगे, दो उल्टे, एक बबल, दो उल्टे। तो पांच बबल मैं यहाँ पे बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। अब ये देखिए एक दो तीन चार पांच डिजाइन हमने बना लिए। तो अब सेंटर में हमने एक ही सीधा फंदा रखना है, क्योंकि हमने यहाँ पे डिज़ाइन घटा दिया है ये। और अगली बार इसी फंदे पे हमने दोनों साइड जालियाँ बनानी है। तो अब इसके बाद एक फंदा हम ये सीधा बनाएंगे, और फिर से हमने ये पांच डिज़ाइन आगे यहाँ पे बना लेने। इस पहले फंदे पे ही हमें एक का सात फंदे बनाएंगे।
तीन, चार, पाँच, छः, सात। तो ये डिज़ाइन मैं बना लेती हूँ, ये यहाँ तक बनेगा ये भी, और इसके बाद उल्टी सिलाई पूरी उल्टी, और अगली सीधी पे फिर मैं ये डिज़ाइन बनाना बताऊँगी। अब देखिए डिज़ाइन हमने स्टार्ट करना है, तो ये जो फंदे हमारे उल्टे हैं इनको हम उल्टा ही बनाएंगे, तीन, चार। अब धागा पीछे, एक फंदा सीधा, दो उल्टे, एक सीधा, और एक ही हम उल्टा बनाएंगे। अब इस सेंटर वाले फंदे में हम तीन का एक करेंगे, वही डिजाइन है पर थोड़े से फंदे मैंने यहाँ पे कम कर दिए हैं। फिर एक उल्टा, एक सीधा, दो ये उल्टे और एक ये सीधा, यहाँ पे हमारा डिज़ाइन समाप्त। एक, दो, तीन, चार, पाँच। अब फिर से जाली बनाएंगे इस बीच वाले फंदे पे, फिर सीधा, फिर जाली और एक फंदा, फिर सीधा, फिर दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा। अब इन दो में से एक ही हम उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, इन तीन का हम एक कर देंगे, ऐसे तीन का एक कर दिया। एक फंदा हमने उल्टा बना लिया, ये फंदा सीधा, फिर दो उल्टे और लास्ट का बबल का फंदा सीधा, और लास्ट के एक, दो, तीन, चार, पाँच। उल्टी सिलाइयाँ सभी उल्टी, और बीच में हमने तीन का एक करते जाना है, और फिर ऐसे हमने ये जहाँ तक हमारा ये डिजाइन ख़त्म हो जाता है, उसके बाद एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच धारियाँ हमने उल्टी उल्टी बनाई और सभी फंदों को बंद कर दिया, तो ये हमारी पॉकेट बन गई। तो ऐसे आप बना लीजिए। फिर मैं आपको ये मुंडे जोड़ना तो बता दिए, मुंडे पे ये वाला डिज़ाइन कैसे हम जोड़ेंगे और फिर ये स्वेटर की पॉकेट कैसे जोड़ेंगे, ऊपर से जोड़ेंगे हम, तो ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड, अब हम ये बाजू के फंदे उठाएंगे और बाजू जोड़ना बताऊंगी मैं आपको। तो एक सिलाई ले लीजिए और एक कोने से आप यहाँ से फंदे उठाने स्टार्ट कीजिए, यहाँ से, जैसे भी आपको फंदे उठाने आते हैं वैसे आप यहाँ से फंदे उठाते जाइए। ये जो हमने थोड़े से बंद करे हैं यहाँ पे फंदे, ये थोड़े टाइट होंगे तो आप आराम से उठाइए ऐसे। एट्टी वन फंदे हमने एक एक लूप से ऐसे उठाते जाना है। यहाँ पे देखिए दिख रहा है ये जो छोटी छोटी बनी हुई है, यहीं से हम एक एक फंदा ऐसे उठाते जाएंगे। तो मैं 81 फंदे उठा लेती हूँ पूरे, एक साइड तो मैंने बना ली है, दूसरी का ये मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए ऐसे आप पे पूरे फंदे उठा लीजिए पूरे राउंड तक। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने 81 फंदे उठा लिए, तो ए हमारी सीधी साइड है और ए हमारी अंदर की साइड उल्टी साइड है। तो देखिए इसकी हम सीधी साइड ऐसे अंदर की साइड करेंगे, क्योंकि हमारा ये ऐसे आना चाहिए। अब सीधी साइड हमारी दोनों ऐसे आनी चाहिए, इस तरीके से पकड़ेंगे हम। तो यहाँ भी उल्टी साइड दिख रही है, ये भी उल्टी, और सीधी हमारी ये देखिए ये भी और ये भी सीधी। तो अब हम इन फंदों को बंद कर देंगे,
दोनों उल्टी साइड हमारी बाहर की साइड होनी चाहिए, जो हमने फंदे उठाए हैं, और दूसरा भी दोनों साइड से हम एक एक फंदा, एक फंदा हम बैक वाली सिलाई से लेंगे, एक हम फ्रंट वाली, ऐसे दो का एक कर दिया, फिर से दो का एक करा और पीछे वाला ऊपर से उतार देंगे ऐसे। अभी थोड़े से फंदे ज़्यादा हैं, तभी सिलाइयाँ भारी हैं। जैसे जैसे फंदे घटते जाएंगे तो हमारी सिलाइयाँ हल्की होती जाएंगी। बस पीछे वाला फंदा ही हमने ऊपर से उतारना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमारे जॉइंट हो जाएगा। फिर तो मैं ये सभी फंदे ऐसे ही बंद कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। अब ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने जोड़ लिया, देखिए इस तरीके से जुड़ता है ये, देखिए। अब इसके बाद इसको हम सिल लेंगे। अब मैं आपको ये पॉकेट, एक साइड मैंने ये सिल दी है और दूसरी साइड में आपको सिल के ये बता रही हूँ कैसे सिलेंगे हम इसको बिल्कुल बराबर। तो देखिए फ्रेंड, एक साइड की पॉकेट मैंने लगा ली, अब दूसरी साइड की देखिए कैसे लगाएंगे हम। ये देखिए, यहाँ से मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 8वीं पे ऐसे थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। दोनों पॉकेट हमने ये बराबर सिलनी होती है, देखिए ऐसे। जितनी हमने यहाँ पे छोड़ा है इस साइड, उतना ही हम यहाँ पे भी छोड़ेंगे। और यहाँ से इसको हम ऐसे सिलाई से अटैच कर देंगे। और ये तीनों कोने अब सिल देंगे। तो देखिए, ये जो हमारा धागा बचा हुआ है, इसी से हम इसको सिलेंगे। थोड़ा सा दिखा देती हूँ मैं आपको, सीधी साइड को ही सिलेंगे हम इसको। देखिए, जैसे मैंने ए वाली सिली है, ये देखिए ऐसे ही हम इसको इस साइड से सिलेंगे। तो ऐसे रखेंगे और सबसे पहले हमने यहाँ पे इसको अटैच करना है ढंग से, बिल्कुल बराबर। ऐसे अब एक धारी आप पकड़ लीजिए और उसी धारी पे हमने इसको
नीचे तक सिलना है। तो देखिए यहाँ से सिलेंगे हम, ऐसे निकाला फिर यहाँ ऐसे। अब ये जो कोना है इसको भी आप यहाँ दो बार अटैच कर लीजिए ढंग से। अब देखिए अब ए वाली साइड आ गई हमारी, तो इसको भी अब हम ऐसे सिल देंगे और यहाँ तक, और ये हमारी पॉकेट फिर लग जाएगी। तो ए सिल लीजिए, फिर बटन लगा लीजिए, और इस साइड की स्वेटर मैंने सिल ली है ये, और दूसरी साइड की भी हमने ये सिल के कंप्लीट करनी है। तो ऐसे बना लीजिए आप, तो फिर हमारी ये स्वेटर कंप्लीट हो जाएगी। गला भी देखिए, पीछे की साइड को मैंने यहाँ पे सिल दिया है, और इस तरीके से हमारा ये गला आया। बहुत ही सुंदर शेप आती है इसकी। तो फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू।